हेलो दोस्तों, इजी टू डिजाइन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे अपीयरेंस और मटेरियल कलर लुक कैसे लगाते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें एक 3D मॉडल बनाना होगा जिसमें कि अपीयरेंस और मटेरियल कलर लुक यूज करेंगे। हमें एक प्लेन सेलेक्ट करना होगा, तो हम टॉप प्लेन सेलेक्ट कर लेते हैं। यह एक 3D मॉडल है जिसमें कि सारे डायमेंशन mm में दिया गया है। हम इसे ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें अपीयरेंस और मटेरियल कलर लुक यूज करेंगे। तो चलिए पहले ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा जिसका की लेंथ 250 mm और विड्थ 270 mm। तो रेक्टेंगल कमांड की मदद से एक कॉर्नर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। लेंथ 250 mm और विड्थ 270 mm। चारों कॉर्नर पे एक एक सर्किल है जिसका कि डायमीटर 25 mm है और इस एज से सर्किल का सेंटर 30 mm है और इस एज से सर्किल का सेंटर 30 mm है। सर्किल कमांड की मदद से सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। इसका डायमीटर 25 mm और इस एज से इस सर्किल के सेंटर का डायमेंशन 30 mm। एंटर। और ऊपर के एज से सर्किल के सेंटर का डायमेंशन 30 mm। एंटर। चारों कॉर्नर पे सेम डायमेंशन पे सर्किल है, तो हम मिरर कर लेंगे। तो एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मिरर एंटिटीज एंटिटी सेलेक्ट कीजिए, सर्किल और मिरर अबाउट ये सेंटर लाइन। ओके, तो देखिए ये मिरर हो गया। दोबारा मिरर करेंगे। मिरर एंटिटीज सेलेक्ट कीजिए, यह सर्किल और यह सर्किल, मिरर अबाउट में यह सेंटर लाइन। ओके, तो देखिए हमारा स्केच बनके तैयार हो गया और इसका थिकनेस 15 mm है। अब हम इसमें फीचर टूल लगाएंगे। तो फीचर्स पे क्लिक करें और एक्सट्रूडेड बॉस बेस पे क्लिक करें और इसका थिकनेस 15 mm। एंटर। ओके, तो देखिए आपका 3D मॉडल बनके तैयार हो गया। अब हम इसमें अपीयरेंस यूज करेंगे। तो यहाँ पे एडिट अपीयरेंस का आइकन दिया गया है, इस पर क्लिक करें तो आपके सामने एक न्यू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पार्ट या ज्योमेट्री सेलेक्ट करने के 5 टूल दिए गए हैं जिसमें कि पहला है सेलेक्ट पार्ट, दूसरा है सेलेक्ट फेस, तीसरा है सेलेक्ट सरफेस और फोर्थ नंबर पे है सेलेक्ट बॉडीज और फिफ्थ नंबर पे है सेलेक्ट फीचर्स। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम सेलेक्ट पार्ट पे क्लिक करेंगे। तो ऑलरेडी हमारा पार्ट सेलेक्टेड है।
ड्रैग कीजिए नीचे और कलर सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम रेड सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये हमारा रेड हो गया। ग्रीन सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए ग्रीन हो गया। ओके कीजिए। एडिट अपीरेंस नीचे ड्रैग कीजिए तो यहाँ पे आप इन तीनों कलरों की मदद से आप एक मिक्स्ड कलर बना सकते हैं। जैसे कि इसको ड्रैग कीजिए, इसको ड्रैग कीजिए और इसको ड्रैग। ओके तो देखिए हमने एक मिक्स्ड कलर बनाया। एडिट अपीयरेंस रिमूव कीजिए अपीयरेंस जो हमने पहले लगाया था। अब दूसरा सेलेक्ट फेस पे क्लिक करें और सेलेक्ट कीजिए फेस, तो हम यह फेस सेलेक्ट करेंगे, यह फेस सेलेक्ट करेंगे और इसका कलर ब्लू कलर। यह होल का फेस सेलेक्ट करेंगे। ओके तो देखिए हमने जो भी फेस सेलेक्ट किया वो कलरफुल हो गया। एडिट अपीयरेंस पे राइट क्लिक करके क्लियर सिलेक्शन कीजिए और रिमूव ऑल अपीयरेंस कीजिए। अब है तीसरा सेलेक्ट सरफेसेस। हम यहाँ पे सेलेक्ट सरफेसेस यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट बॉडीज यूज करेंगे। तो इस पे क्लिक करें और इस पार्ट पे क्लिक कीजिए। आप जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे हम येलो कलर देना चाहते हैं तो देखिए। ओके तो देखिए यह बॉडी येलो कलर हो गया। एडिट अपीयरेंस क्लियर सिलेक्शन कीजिए और रिमूव ऑल अपीयरेंस कीजिए। और पांचवा है सेलेक्ट फीचर्स पे क्लिक कीजिए और इस आइकन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ है बॉस एक्सट्रूडेड वन, ये हमारा फीचर्स है, इस पे क्लिक कीजिए और कलर सेलेक्ट कीजिए। जैसे हम रेड कलर सेलेक्ट करेंगे। ओके तो ये देखिए हमारा पार्ट रेड कलर हो गया। अब हम देखेंगे मटेरियल कलर लुक कैसे देते हैं। तो इस पार्ट पे राइट क्लिक करें और अपीयरेंस पे रिमूव ऑल पार्ट अपीयरेंस पे क्लिक करें। तो ये सारा अपीयरेंस रिमूव हो गया। यहाँ पे अपीयरेंस का आइकन दिया गया है, इस पे क्लिक करें और अपीयरेंस या कलर के इस आइकन पे क्लिक करें तो यह एक्सपेंड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मेनी टाइप्स का मटेरियल दिया गया है, प्लास्टिक, मेटल, पेंटेड, रबर, ग्लास, सॉलिड, लाइट, फैब्रिक, ऑर्गेनिक, स्टोन और मिसलेनियस। तो आप जो भी मेटल यूज करना चाहते हैं, जैसे हम मेटल में स्टील, क्रोम, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज, ब्रास, हम ब्रास में पॉलिश ब्रास यूज करेंगे तो इस पे डबल क्लिक करें। तो ये देखिए ये ब्रास का कलर है। उसी तरह अगर हम कॉपर यूज करेंगे तो ये देखिए पॉलिश्ड कॉपर, तो ये कॉपर का कलर है ब्रास। बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करते रहें। दोस्तों हमें बताएं
आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।